नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। संदेश खाली में सीबीआई द्वारा छापेमारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेश खाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की। टीएमसी ने चुनाव के दौरान तलाशी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि इसका इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। सीबीआई ने बीते दिन ही संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के करीबी के घर छापेमारी की है। संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी में कई हथियार और गोला बारूद मिले थे। सीबीआई ने बताया कि सभी हथियार विदेशी हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने संदेश खाली में हुई सीबीआई की छापे में मिले हथियारों के जखीरे पर टीएमसी के खिलाफ निशाना साधा। संदेश खाली में बरामद हुए हथियारों के मामलों में भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने और उसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता के घर से मिले ये हथियार विदेशी हैं। सुकान मजूमदार ने राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संदेश खाली में भारी मात्रा में हथियार मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। महाराष्ट्र में एनडीए के चुनाव प्रचार और धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्हापुर में विशाल जनसभा की। रैली में उमड़े भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और एनडीए गठबंधन पर जमकर हमले किए। कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस इसे देश पर थोपना चाहती है। प्रधानमंत्री ने संपत्ति पुनर्वितरण को लेकर भी कांग्रेस को लताड़ा और कहा कि ये लोगों की मेहनत की कमाई उन्हें देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वो एनडीए के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। वो राष्ट्र विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी गोवा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर मछुआरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और एनडीए सरकार द्वारा किए गए काम गिनाए। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पोरबंदर सीट के जमकंदोरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का खात्मा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भरूच में चुनावी जनसभा की। उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और आप पर भी हमला बोला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए वाईएसआरसीपी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने ताड़ेपल्ली में वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय में घोषणा पत्र का अनावरण किया। आंध्र प्रदेश के सीएम ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि 2019 के चुनाव में किए गए 99% वादे पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 58 महीने के शासन में हमने जो स्थितियां देखी उनके समाधान के लिए काम किया और गरीबों का कल्याण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान भाजपा सरकार के दौरान किसानों और गरीबों को मिल रही सुविधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के बारपेटा में जनसभा की। उन्होंने मोदी सरकार को किसानों की कर्ज माफी नहीं की, उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में अनाजों की बहुत मात्रा में पैदावार कांग्रेस की ही देन है।
भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस घोषणा पत्र में संपत्ति सर्वे के वायदे पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जनता की संपत्ति लेना चाहती है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के गुरु द्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य हरजीत सिंह, रमनदीप सिंह थापर, परमिंदर सिंह लुकाए और बलजीत सिंह छिकारा को भाजपा की सदस्यता दी गई। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में कहा कि सिख कौम के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लंबे समय तक वो पंजाब के प्रभारी रहे। पंजाब का कोई ऐसा शहर या जिला नहीं है जहां वो गए ना हो। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तिरुवनंतपुरम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले दो चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा चुनाव सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिलने के बाद वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने कहा कि वो राष्ट्रहित में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना और देश को गुमराह करना ठीक नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुवाहाटी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन नेताओं की भी आलोचना की जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे और अब इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए। तेलंगाना में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। ओवैसी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस की सीईसी की बैठक खत्म हुई। अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों पर नहीं हो सका है फैसला। सीईसी सदस्यों ने राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। मतदान जागरूकता अभियान के तहत गुजरात के वलसाड जिले के 1498 प्राथमिक, माध्यमिक और आईटीआई स्कूलों में पोस्ट कार्ड लेखन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मतदान के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले देश को बांटा और अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हम भारत में संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में आप वॉर रूम का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पिछले 45 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने जानकारी दी है कि पहले चरण में हुए मतदान में त्रिपुरा पश्चिम सीट के 2 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में जनसंपर्क यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा अगर सत्ता में आती है तो लोगों को कई सारी सुविधाएं देगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की 15वीं सूची जारी कर दी है। आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर मध्य से चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने मुंबई में प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी को उत्तर मुंबई से लड़ने की चुनौती दी। कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र के हनूर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 29 अप्रैल को पुनर्मतदान कराया जाएगा। चामराजनगर लोकसभा क्षेत्र के इंडियन नट्टा गांव में मतदान का बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों द्वारा एक मतदान केंद्र में तोड़फोड़ किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के खगड़िया में एक रैली के दौरान नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की वर्तमान सरकार से बिहार के लोगों के लिए किए गए कामों की जानकारी भी मांगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में रोड शो किया। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग भीषण हो गई है। प्रदेश के 31 जगहों पर आग लगने की घटना हुई है। प्रदेश में इससे सर्वाधिक आग लगने की घटना कुमाऊं में 26 स्थानों पर हुई। करीब 34 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। नैनीताल में भवाली रोड पर पाइंस के पास सड़क किनारे भड़की भीषण आग को बुझाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला। आग पहाड़ी तक न पहुंचे, इसके लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया गया है। भीमताल झील से पानी लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर में पानी भरने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नैनीताल के साथ ही नौकुचियाताल और भीमताल झील की अनुमति प्रदान की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर नैनीताल और उसके आसपास के वन क्षेत्र में लगी भीषण आग का जायजा लिया। मणिपुर के नाराय सेना गांव में CRPF के कैंप पर हुए हमले में शहीद जवान को इंफाल में श्रद्धांजलि दी गई। विष्णुपुर जिले के नारायण सेना गांव में कुकी समूहों के हमले में 2 जवानों की मौत हो गई थी। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां सुरक्षा बलों पर कुकी समूह ने हमला किया। इस घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी हुई है। यहां लाहौल और स्पीति बर्फ की चादर में ढक गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बर्फबारी के साथ बारिश की भी चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर रहेगा। मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना भी है। देश के कई राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के मयूरभंज, झारसुगुड़ा सहित कई जिलों में भीषण गर्मी की वजह से हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पेरनोट क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिससे कई जगहों पर सड़क, घर और बिजली टावर क्षतिग्रस्त हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और MCD को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने निजी हित के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, वो दिल्ली के बच्चों के लिए काम करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, हालांकि उसके बाद चुनाव लड़ने पर कोर्ट ने उन्हें उन पर रोक लगा दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना के मामले में अमानतुल्लाह खान को जमानत मिली है। बीते वित्त वर्ष के दौरान महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स का एकीकृत शुद्ध लाभ घटकर लगभग 98 करोड़ रह गया। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने यह जानकारी दी।
भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट और दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने दलित की अगुवाई वाले लघु और मझोले उद्यमों को कर सहायता, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करने के लिए समझौता किया। BYST और दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री इस समझौते के तहत 1000 दलित युवा उद्यमियों को परामर्श प्रदान करेंगे। प्रतिबंध के बावजूद केंद्र सरकार ने 6 देशों को 99,150 टन प्याज निर्यात की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया के साथ ही कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 टन सफेद प्याज के निर्यात को भी अनुमति दी। ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ने वोडाफोन आइडिया में अपनी पूरी 2.87% हिस्सेदारी खुले बाजार सौदे के माध्यम से 1,840 करोड़ रुपयों में बेच दी। फंड इकट्ठा करने के उद्देश्य से अपोलो हेल्थ को लिमिटेड ने एडवेंट इंटरनेशनल के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के जरिए अपोलो हेल्थ को 2,475 करोड़ रुपयों की फंड जुटाएगी। इस समझौते के तहत अपोलो हेल्थ को लिमिटेड अगले 24 से 30 महीनों में अपनी थोक दवा वितरक फर्म केमेड प्राइवेट लिमिटेड का एडवेंट इंटरनेशनल के साथ एकीकरण करेगी। निजी क्षेत्र के ICICI बैंक का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 18.5% बढ़कर 11,672 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में यस बैंक के शुद्ध लाभ में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। बैंक का एकल शुद्ध लाभ 2 गुना से अधिक होकर 452 करोड़ रुपयों पर पहुंच गया। IDFC फर्स्ट बैंक का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 10% घटकर 724 करोड़ रुपए रह गया। अहमदाबाद जा रहा इंडिगो का एक विमान शनिवार दोपहर को लैंडिंग गियर में खराबी पाए जाने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर लौटाया। घटना के वक्त विमान में 170 लोग सवार थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुग्राम स्थित टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ा एक्शन लिया। RBI ने कंपनी से वॉलेट में पड़े लोगों का पैसा वापस करने का आदेश दिया है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त राष्ट्र में सिटीजन स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी विषय पर उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। बीते कुछ समय में आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए जर्मनी ने भू राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित करने पर जोर दिया। एक संबोधन के दौरान जर्मन विदेश मंत्री ने देश के अंदर आर्थिक बदलाव पर जोर देने की बात कही। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से आजादी की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी शामिल हुए। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर हजारों लोगों ने लंदन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फिलिस्तीन की आजादी की मांग करते हुए इसराइल के विरुद्ध नारे लगाए। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को पद पर बने रहने का अनुरोध करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी के हजारों समर्थक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एकत्र हुए। यूरोपीय संघ द्वारा रूसी प्राकृतिक गैस के निर्यात पर पाबंदी के बाद क्रेमलिन ने निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने की बात कही। रूस की ओर से की गई एक मिसाइल हमले में यूक्रेन के खार्किव का एक अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं पर बढ़ते हिंसा को देखते हुए हजारों लोगों ने सिडनी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में सख्त कानून बनाने की मांग की। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को होने वाले पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से हराया। शंघाई में चल रही तीरंदाजी की विश्व कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में भारत की कप्तान टीम ने 4 स्वर्ण पदक सहित 1 रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने जताई उम्मीद, पेरिस ओलंपिक में टीम का प्रदर्शन रहेगा बेहतरीन। बोले, ऑस्ट्रेलिया दौरे से काफी कुछ सीखने को मिला। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को भरोसा, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में होंगे सफल। विश्व क्वालिफाइंग के लिए कर रहे हैं जोरदार मेहनत। लिवरपूल के मैनेजर क्लॉप को भरोसा है कि उनकी टीम EPL में वापसी करने में कामयाब रहेगी।
यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं कैप्टन होता ना ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। अल हिलाल की टीम सऊदी प्रो लीग खिताब के पहुंची और करीब। अल फतह की टीम को 3-1 से धीमा। वहीं अल शबाब की टीम ने अल एतिहाद की टीम को 3-1 से धीमा। जीत के साथ सऊदी प्रो लीग में 9वें स्थान पर खुद को पहुंचाया। ईपीएल में आज देर रात एवर्टन का सामना ब्रेंटफोर्ड से होगा। एवर्टन की टीम बेहतरीन फॉर्म में। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएडेड को 1-0 से दी शिकस्त, खुद को पहुंचाया खिताब के और करीब। ब्राजील की महान खिलाड़ी मार्ट्रा इस साल के अंत में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लेंगे संन्यास। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव मैड्रिड ओपन के अगले दौर में पहुंच गए हैं। ज्वेरेव ने बोर्ना कॉरेज को 6-3 6-2 से शिकस्त। टेलर फ्रिटर्स ने भी अगले दौर में जगह बनाई। इटली के लुसियानो डाडेरी को दी मात। डेनमार्क के होलगर रुंड ने भी अगले राउंड में प्रवेश किया। अर्जेंटीना के मारियानो नोवे को दी मात। मैड्रिड ओपन के दो बार के उपविजेता स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने तीसरे दौर में बनाई जगह। दूसरे दौर में अलेक्जेंडर शेशेंको को दी मात। पोलैंड की इगा स्वांतक ने अंतिम 16 में जगह बनाई। रोमानिया की सुराना कर्स्टी को 6-1 से हराया। मशहूर अमेरिकी गायक ब्रिटनी स्पीयर्स और उनके पिता जेमी स्पीयर्स के बीच वर्षों पुराना कानूनी विवाद सुलझ गया। अमेरिकी लेखक एरॉन सॉर्किन एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्ट्स की माने तो सॉर्किन फिल्म द सोशल नेटवर्क के सीक्वल बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मार्लरा एडम्स का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मार्लरा एडम्स को द यंग एंड रेस्टलेस में दीना मजरॉन की किरदार के लिए याद किया जाता है। रिलीज होने के पहले ही कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 काफी चर्चाओं में। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का पहला सिंगल ट्रैक 1 मई को जारी होगा। तमन्ना भाटिया की फिल्म अरन मनई 4 में नजर आने वाली है। हाल ही में तमन्ना ने फिल्म के सेट से एक बेहतरीन स्टंट वीडियो साझा किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सौडी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गुरचरण सिंह 4 दिनों से लापता है। अभिनेता को आखिरी बार दिल्ली हवाई अड्डे पर देखा गया था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। साउथ फ्रांस में समुद्र के बीच क्रूज शिप पर अंबानी परिवार इस प्री वेडिंग फंक्शन को आयोजित करेगा। दमदार प्रमोशन के बावजूद आयुष शर्मा के करियर की तीसरी फिल्म रुस्लान ने ओपनिंग डे पर महज 60 लाख रुपयों का कलेक्शन किया। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अगली फिल्म खेल खेल में को लेकर चर्चाओं में है। मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। और फिल्म प्यार के दो नाम का ट्रेलर जारी हो गया है। 3 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म की शूटिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की गई। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।